आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मतोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ासला में 12 अप्रैल को लगभग आधा दर्जन बदमाश रोहे के हथियार लेकर विधवा ब्राह्मण महिला के पुश्तैनी कब्जा सुध घर में घुसे और लज्जा भंग करते हुए उसके साथ मारपीट की और एक गर्भवती महिला ने बीच बचाव किया, लेकिन बदमाशों द्वारा धक्का देने पर ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसे ओसिया सरकारी अस्पताल में समय से पूर्व डिलीवरी करवानी पड़ी। साथ ही पत्थर से बना ढालिया, सरकारी अनुदान प्राप्त शौचालय और पशु बाड़ा को सरियों और गड़ियों से जबरन तोड़ दिया गया। बता दें कि बीच बचाव करने आए उनके परिवार के 4 से 5 लोगों पर हमला करने के मामले में विप्रसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। उसी को लेकर मतोड़ा थानाधिकारी मागाराम ने बताया कि उक्त मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया और अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने थानाधिकारी जी से मुलाकात की है। हमारे मतोड़ा थाना अंतर्गत पड़ासला गांव में ब्राह्मण परिवार के साथ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट किए, महिला के कपड़े फाड़ दिए और एक महिला की जो गर्भवती थी उसको धक्का दे करके, और वो धक्का देने से उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई। 17 दिन पहले उसकी डिलीवरी हो गई है। ये इससे ज़्यादा घटना क्या घटित हो सकती है? इसी को लेकर विप्रसेना प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हमने थानाधिकारी से मुलाकात की। इन्होंने हमें 24 घंटे का समय दिया है कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर ली जाएगी। फिर भी अगर आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी जी के नेतृत्व में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। पड़ासला मैटर को लेकर मुकदमा नंबर 61/23 पुलिस थाना मतोड़ा में कुल नामजद 5 आरोपियों में से 3 आरोपी सरवण कुमार चेतन राम, सरवण राम टीकू राम और टीकू राम मंगला राम, तीनों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया गया, जिसको जेसी करवाया गया है। बाकी नामजद मुलजिम व अन्य की जांच जारी है, अनुसंधान जारी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।